ब्रांडेड फर्नीचर की खरीदारी के लिए अब आपको महानगर जाने की जरूरत नहीं। आपके शहर में ब्रांडेड फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम एबीसी फर्नीचर, गोदरेज फर्नीचर, गोदरेज अलमीरा, जुआरी फर्नीचर और कर्लान मैट्रेस की सभी वैरायटी उपलब्ध। हमारा पता है एबीसी फर्नीचर, निकट हाली चौराहा, होटल साक्षी, सिधारी, आजमगढ़। लाइसेंस बहाल होने के बाद आजमगढ़ के जिला सहकारी बैंक और इसकी सभी 25 शाखाओं को इस लायक बनाया जा रहा है कि जनता फिर से पैसों का लेन देन कर सके। जनता को फसली ऋण और पैसा ट्रांसफर की सुविधा भी जल्द ही मिल जाएगी। इसके लिए आजमगढ़ के जिला सहकारी बैंक की सभी शाखाएं कंप्यूटरीकृत की जा रही हैं। सोमवार को सहकारी बैंक के MD RK सिंह, GM वीरेंद्र यादव और AGM पंकज पांडे के साथ आजमगढ़ आए। उन्होंने सहकारी बैंक पहुंचकर कंप्यूटराइज्ड सिस्टम की प्रगति रिपोर्ट देखी और इसके बाद बैंक के वरिष्ठ अफसरों के साथ समीक्षा बैठक भी की। इस दौरान MD श्री सिंह ने सहकारी बैंक के प्रबंधकों से कहा कि लाइसेंस बहाली हो गई है, जल्द से जल्द सभी तैयारियां पूरी कर ली जाए जिससे कि सहकारी बैंक खाताधारकों की जरूरतों के अनुरूप काम करने लगे। बैठक के बाद ABC चैनल से हुई बातचीत में MD श्री सिंह ने बताया कि प्रदेश सरकार के अथक प्रयास से ही सहकारी बैंक पुनर्जीवित हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक हमारे वीक हो गए थे, जिनका लाइसेंस जो है RBI ने निरस्त कर दिया था। उनका लाइसेंस राज्य सरकार की सहायता से फिर से प्राप्त हो गया है, उसमें आजमगढ़ भी एक है। इन 16 बैंकों में कंप्यूटराइजेशन का कार्य बहुत तेज़ी से हो रहा है। अभी तक 4 बैंकों में, फैजाबाद, सीतापुर, बनारस और आजमगढ़, 4 पूरी तरह से कंप्यूटराइज हो गए हैं। यहाँ 25 ब्रांच है, सभी 25 ब्रांच कंप्यूटराइज हो चुकी है और RTGS नेफ्ट की भी सुविधा शीघ्र ही प्राप्त हो जाएगी। और राज्य सरकार ने काफ़ी सहायता दिया है, 1923 करोड़ की, तो उस सहायता से जो हम लोग CRAR मेंटेन कर रहे हैं, उस मेंटेन करने के साथ ही डिपॉजिटर्स का पेमेंट हम सुनिश्चित करने जा रहे हैं कि कोई भी डिपॉजिटर का पेमेंट प्रत्येक दशा में हम सुनिश्चित कर दें। MD RK सिंह का कहना था कि जल्द ही आजमगढ़ के सभी सहकारी बैंकों में RTGS व अन्य नेट बैंकिंग सेवाएं मिलने लगेंगी। अप्रैल महीने से किसानों को फसली ऋण भी दिया जाएगा। सभी तैयारियां लगभग पूरी होने वाली हैं, इसी की समीक्षा के लिए आजमगढ़ आया हूं। लेकिन अप्रैल से क्रॉप लोन भी बंटने लगेगा और भी जो बैंकिंग के कार्य हैं, सभी कार्य इन 16 बैंकों में बहुत तेजी से होने लगेगा। जनपद आगमन इसीलिए हुआ है कि यहाँ ये देखने की जरूरत थी कि कंप्यूटराइजेशन में क्या कार्य हो रहा है या बैंक में क्या प्रॉब्लम है। बैंक की प्रॉब्लम देखना, डिपॉजिटर का पेमेंट सुनिश्चित कराना और यहाँ लोनिंग में, ऋण बांटने में क्या बाधा है, इसकी समीक्षा करने के लिए आज मैं। ब्रांडेड फर्नीचर की खरीदारी के लिए अब आपको महानगर जाने की जरूरत नहीं। आपके शहर में ब्रांडेड फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम ABC फर्नीचर, गोदरेज फर्नीचर, गोदरेज अलमीरा, जुआरी फर्नीचर और कर्लान मैट्रेस की सभी वैरायटी उपलब्ध। हमारा पता है ABC फर्नीचर, निकट हाली चौराहा, होटल साक्षी, सिधारी, आजमगढ़। बिजली की व्यवस्था अभी पूरी तरह पटरी पर नहीं आ पाई थी कि इसी बीच यूपी बोर्ड परीक्षा भी आ गई। सूबे की योगी सरकार नकल के तो सख्त खिलाफ है,
लेकिन उधर पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के लिए बिजली की भरपूर व्यवस्था का निर्देश भी दे दिया है। लेकिन बिजली विभाग के वरिष्ठ अफसर बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए मुफीद समय पर सप्लाई नहीं दे पा रहे हैं। हालांकि शहरी क्षेत्र में 24 घंटे तो ग्रामीण इलाकों में 18 घंटे सप्लाई का फरमान पहले से ही चल रहा है, इसका पालन भी नहीं हो रहा है। तो आखिर बोर्ड परीक्षा दे रहे छात्र छात्राओं को पढ़ने के लिए पर्याप्त बिजली कब और कैसे मिलेगी? यह सवाल एबीसी चैनल ने पूछा मुख्य अभियंता वितरण इंजीनियर पंकज कुमार से। उन्होंने बताया कि लोकल फॉल्ट के चलते ही आपूर्ति प्रभावित हो रही है, बाकी समय में विभाग पूरी सप्लाई देने का प्रयास कर रहा है। शहरी क्षेत्रों में तो 24 घंटे बिजली देने का शेड्यूल है, इसलिए जब 24 घंटे दी जा रही है तो उसमें कोई परिवर्तन या किसी भी प्रकार का उसमें बदलाव नहीं किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे बिजली देने का शेड्यूल है, जिसमें 10 घंटे हम रात्रि में दे रहे हैं जिससे कि विद्यार्थी पढ़ सकें, और 8 घंटे बिजली दी जा रही है दिन में। दिन में वैसे बिजली की आवश्यकता नहीं होती है, पर फिर भी सवेरे के टाइम में जल्दी, मतलब सवेरे 5-6 बजे से 8 घंटे देते हैं या शाम को देते हैं, जिससे कि परीक्षार्थियों को उस तरह की कठिनाई ना हो। कभी कभी कोई व्यवधान आने पे या कोई ब्रेकडाउन होने पे, ख़राबी आने पे ही जो थोड़ा बहुत कहीं बिजली बंद होती है, अन्यथा ठीक चल रही है। मुख्य अभियंता ने बताया कि एक ही साथ पूरे प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में सप्लाई संभव नहीं होती, इसीलिए कहीं सुबह तो कहीं शाम को शेड्यूल वाइज आपूर्ति की जा रही है। बोर्ड परीक्षा चूंकि पूरे प्रदेश में है तो ऐसा संभव नहीं हो पाता है कि पूरे प्रदेश में हम एक ही समय में बिजली दे पाएँ। इसके लिए हमारा एक रोस्टर शेड्यूल जारी होता है जो ग्रामीण क्षेत्रों में 8 घंटे दिन में सवेरे के टाइम में दिया जाएगा, एक हफ्ते शाम के टाइम में दिया जाता है, जो हफ्ते हफ्ते से बदलता रहता है, जिससे कि ऐसा ना हो कि एक ही जगह पर एक ही प्रकार से बिजली दी जा रही है, ये किया जा रहा है। इस बार बिजली विभाग को सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही है परीक्षा वाले सेंटरों पर बिजली सप्लाई को लेकर। मुख्य अभियंता का कहना था कि पहली बार सरकार ने बोर्ड परीक्षा सेंटरों पर CCTV कैमरे लगवाए हैं, हमें निर्देश मिला है कि परीक्षा वाले समय में इन क्षेत्रों में बेहतर सप्लाई दी जाए। हम कोशिश भी कर रहे हैं कि जहाँ भी परीक्षा हो रही है उन केंद्रों तक निर्बाध गति से बिजली मिल सके। परीक्षा को लेकर व्यवस्था ये की गई है कि जो परीक्षा केंद्र हैं, क्योंकि इस बार प्रथम बार सरकार ने परीक्षा केंद्रों पर CCTV कैमरे का प्रबंध किया है, तो CCTV कैमरे चलते रहें, जो परीक्षा केंद्र हैं उस पे हम अवश्य ध्यान रखते हैं कि जिस मीटिंग में परीक्षा है, पेपर है, वहाँ पे बिजली उपलब्ध रहे, जिससे कि वो सारे कैमरे और जो भी सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं वो ठीक से चलती रहें। ब्रांडेड फर्नीचर की खरीदारी के लिए अब आपको महानगर जाने की जरूरत नहीं, आपके शहर में ब्रांडेड फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम ABC फर्नीचर, गोदरेज फर्नीचर, गोदरेज अलमीरा, जुआरी फर्नीचर और कल्याण मैट्रेस की सभी वैरायटी उपलब्ध। हमारा पता है ABC फर्नीचर, निकट हाली चौराहा, होटल साक्षी, सिधारी, आजमगढ़। मौसम एक बार फिर से सुर्खियों में है, चर्चा में है। मौसम के बदले मिजाज के चलते ठंड दबे पांव फिर से लौट आई है। आसमान में बादलों की रनिंग से ठंड का स्कोर बढ़ता जा रहा है और तापमान का विकेट गिरता जा रहा है। श्रीनगर, हिमाचल, उत्तराखंड में बर्फबारी के चलते गलन ने मैदानी इलाकों को भी अपनी जद में ले लिया है। जनपद भी पिछले 2 दिनों से बादलों की आगोश में आ चुका है। तेज धूप के बाद अचानक बदले मौसम ने बिना गर्म कपड़ों के निकलने पर ठंड का कठोर दंड सहने का प्रावधान लागू कर दिया है। रविवार की रात 8:30 बजे से 9 बजे के बीच हल्की बूंदाबांदी से जनपद का भी तापमान काफ़ी गिर गया, जिसे सोमवार को सूर्यदेव ने थोड़ा संभालने का प्रयास जरूर किया। बदली से निकले कुछ घंटों के घाम से आमजन ने भारी राहत की सांस ली। फिलहाल आसमान में बादलों की लगातार मौजूदगी को लेकर किसान से लगायत आवाम तक पेशोपेश में पड़े हुए हैं। कोई फसल को, कोई लगन को, कोई गलन को लेकर अपने अपने कयास लगा रहा है।
फसल लगन गलन के अनुरूप ही मौसम से निपटने का जतन बना रहा है। ब्रांडेड फर्नीचर की खरीदारी के लिए अब आपको महानगर जाने की जरूरत नहीं। आपके शहर में ब्रांडेड फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम ABC फर्नीचर, गोदरेज फर्नीचर, गोदरेज अलमीरा, जुआरी फर्नीचर और कर्लान मैट्रेस की सभी वैरायटी उपलब्ध। हमारा पता है ABC फर्नीचर, निकट हाली चौराहा, होटल साक्षी, सिधारी, आजमगढ़। शहर के सिविल लाइन क्षेत्र में प्रतिष्ठित मैनकाइंड समूह के पैथोलॉजी सेंटर पैथकाइंड का उद्घाटन रविवार को अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व VK गुप्ता ने फीता काटकर किया। इस मौके पर ADM ने स्वयं के खून और यूरिन की जांच कराकर पैथकाइंड लैब की साख की सराहना किया। लैब प्रभारी विवेक सिंह ने बताया कि हमारा टैगलाइन है सही जाँच सही दाम। कहा कि सभी जांच मार्केट से सस्ते और मानक के अनुरूप विशेषज्ञों द्वारा की जाती है। उद्घाटन अवसर पर करीब 170 मरीजों का निशुल्क ब्लड और यूरिन टेस्ट किया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ पत्रकार अरविंद सिंह, महेंद्र सिंह, प्रभु नारायण पांडे प्रेमी, डॉक्टर DP राय आदि मौजूद रहे। ब्रांडेड फर्नीचर की खरीदारी के लिए अब आपको महानगर जाने की जरूरत नहीं। आपके शहर में ब्रांडेड फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम ABC फर्नीचर, गोदरेज फर्नीचर, गोदरेज अलमीरा, जुआरी फर्नीचर और कर्लान मैट्रेस की सभी वैरायटी उपलब्ध। हमारा पता है ABC फर्नीचर, निकट हाली चौराहा, होटल साक्षी, सिधारी, आजमगढ़। सेवानिवृत्त बैंक कर्मियों को उनकी बुढ़ापे की लाठी भी सहारा नहीं प्रदान कर पा रही। जी हाँ, यह हाल है जिला सहकारी बैंक लिमिटेड से सेवानिवृत्त हुए बैंक कर्मियों का। विगत 5 वर्षों से सेवानिवृत्त हुए कर्मियों को उनकी ग्रेजुटी, अर्जित अवकाश, PF का 10% अंशदान सहित पेंशन का भुगतान बैंक द्वारा नहीं किया जा रहा। आर्थिक रूप से टूट चुके सेवानिवृत्त बैंक कर्मियों के सब्र का बांध अब टूट चुका है। सोमवार को बैंक कार्यालय शाखा पर धरना देते हुए उन्होंने समस्त रिटायर्ड कर्मियों के समस्त बकाए भुगतान व नियमित पेंशन की मांग की। मांग है कि हमारे जितने लोग रिटायर हो गए उन लोगों के काफ़ी अभी भुगतान नहीं किया गया है, उनका जो क्लेम है नहीं दिया गया है। अब बेचारे रिटायर आदमी 12 से पड़े हुए हैं लोग, उनका जो भी मांग हो तो आज देंगे कल देंगे और अपना वेतन सैलरी हमेशा लेते रहते हैं और दूसरे के मांगने पर कहते हैं कि अच्छा देखेंगे कि अभी जब मांगते हैं अपनी भैया हमारा ये हमारा बकाया है ये दे दीजिए, हम लोगों का ना वेतन ना सैलरी मिलता है और ना पेंशन है, कुछ नहीं है। जो भी बकाया हम लोग का वेतन पाना है उसको भी 2012 से वो अटकाए पड़े हुए हैं और अपने लिए वेतन वो पूरा ले लेते हैं। अपना आय उनके लिए पैसा है, उनके सैलरी के लिए पैसा है, पूरे स्टाफ के लिए पैसा है, लेकिन जो रिटायर कर्मचारी हैं उनके लिए पैसा नहीं है। बैंक सचिव व मुख्य कार्यपालक अधिकारी जगदीश चंद्रा ने मौके पर पहुंच सेवानिवृत्त बैंक कर्मियों की बातें सुनी, उन्हें आश्वासन दिया। कहा कि सेवानिवृत्त कर्मियों की सभी मांगे जायज हैं, बैंक की स्थिति अब बेहतर है, सेवानिवृत्त कर्मियों के समस्त देयकों का भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। इनकी मांगे सब जायज हैं, कोई भी ऐसी मांग नहीं जो नाजायज हो, सेवा नियमावली के अंतर्गत ही ये लोग मांग कर रहे हैं अपनी और इनका मिलना चाहिए, क्योंकि बैंक की वित्तीय पोजीशन इतनी स्ट्रांग नहीं है कि इनका सब भुगतान किया जा सके एक साथ। अब ये पार्ट में भुगतान हो सकता है, जैसे जैसे स्थिति आएगी वैसे भुगतान होगा, क्योंकि जो इस समय कार्यरत कर्मचारी हैं इनके सारे ड्यूज रेगुलर हो गए हैं। अब जो पीरियड में 5 साल 4 साल में कर्मचारी 2012 के बाद रिटायर हुए हैं उनके ड्यूज जो पेंडिंग में हैं वो समय समय पर भुगतान किए जाएंगे, जैसी स्थिति ठीक होगी उसी अनुसार इनके भुगतान कर दिए जाएंगे। बैंक लॉस में था, बैंक के पास कोई लाइसेंस भी जब्त हो गया था, बिजनेस बंद हो गया था, अभी 30 सितंबर 2016 को लाइसेंस मिला है और लाइसेंस मिलने बिजनेस जैसे इम्प्रूव हो रहा है, बैंक का प्रॉफिट में आएगा, वैसे ही इनके पेमेंट कर दीजिए। ब्रांडेड फर्नीचर की खरीदारी के लिए अब आपको महानगर जाने की जरूरत नहीं। आपके शहर में ब्रांडेड फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम ABC फर्नीचर, गोदरेज फर्नीचर, गोदरेज अलमीरा, जुआरी फर्नीचर और कर्लान मैट्रेस की सभी वैरायटी उपलब्ध। हमारा पता है ABC फर्नीचर, निकट हाली चौराहा, होटल साक्षी, सिधारी, आजमगढ़।
अपनी पांच सूत्री मांगों को लेकर शिक्षा प्रेरकों ने अपने जिलेवार अनिश्चितकालीन धरने का सोमवार से श्री गणेश कर दिया। डॉक्टर अंबेडकर पार्क में धरने पर बैठे शिक्षा प्रेरकों ने कहा कि उनकी नियुक्ति की समयावधि बढ़ाए जाने, अवशेष मानदेय का भुगतान किए जाने, भुगतान ई पेमेंट के माध्यम से किए जाने, प्रेरकों को परिषदीय विद्यालयों में लिपिक पद पर समायोजित किए जाने और समायोजित होने से पूर्व मानदेय बढ़ाए जाने की मांग प्रमुख रूप से उठाई गई है। आदर्श लोक शिक्षा वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले दिए गए इस धरने को संबोधित करते हुए एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष रामाश्रय यादव ने कहा कि 31 दिसंबर 2017 से शिक्षा प्रेरकों का कार्यकाल समाप्त कर दिया गया है। उनकी नियुक्ति की न तो समयावधि ही बढ़ाई गई है और न ही कार्यकाल के मानदेय का ही भुगतान किया गया है, जिसके चलते शिक्षा प्रेरक भुखमरी के साथ साथ सड़क पर भी आ गए हैं। बहाली के लिए, मानदेय के लिए वे अब सड़क से लेकर संसद तक प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हैं। हम लोग, ये जो सरकार हम लोगों के साथ घिनौना मजाक कर रही है, जो हम शिक्षा प्रेरकों के साथ सौतेलेपन का व्यवहार कर रही है, उससे आहत होकर मजबूरन हम लोगों को यह फैसला लेना पड़ा है। मात्र 2000 रुपये का मानदेय, वो भी 25-30 महीने से बकाया पड़ा हो, ऊपर से हम कार्य कर रहे थे और बखूबी जिम्मेदारियों से अपना कार्य कर रहे थे और 31 दिसंबर 2017 के बाद हम लोगों को जो है अभी समय अवधि भी नहीं बढ़ाई गई। अभी तक तो हम लोग भुखमरी के ही शिकार थे, लेकिन अब सड़क पर भी ठोकर खाने के लिए मजबूर हो गए हैं, इसलिए इस अनिश्चितकालीन धरने का आयोजन किया गया है और यह धरना तब तक चलता रहेगा जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मान लेती है। आज आजमगढ़ है, कल बलिया होगा, बनारस होगा, पूरा उत्तर प्रदेश होगा और पूरे प्रदेश के साथ साथ पूरे भारत के प्रेरक एकत्रित होंगे और हम लोग सड़क से संसद तक जाएंगे और सरकार में बैठे हुए लोगों का ईंट से ईंट बजा। ब्रांडेड फर्नीचर की खरीदारी के लिए अब आपको महानगर जाने की जरूरत नहीं। आपके शहर में ब्रांडेड फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम एबीसी फर्नीचर, गोदरेज फर्नीचर, गोदरेज अलमीरा, जुआरी फर्नीचर और कल्याण मैट्रेस की सभी वैरायटी उपलब्ध। हमारा पता है एबीसी फर्नीचर, निकट हाली चौराहा, होटल साक्षी, सिधारी, आजमगढ़। आपके शहर आजमगढ़ में गद्दों का शानदार शोरूम श्री बेल गैलरी, प्रथम तल, खतरी टोला, चौक से पश्चिम, आजमगढ़। श्री बेल गद्दों की सभी रेंज उपलब्ध, हाथों के साथ लग्जरी गद्दे एवं नौ प्रकार के श्री बेल पिलो कुशन का विशाल शोरूम, साथ ही साथ फैंसी एवं डिजाइनर पर्दे, कारपेट्स, रनर और बॉम्बे डाइंग बीव्स, पोर्टिको की चादरें एवं सोफा रनर बाजार से कम दाम में उपलब्ध। अपने आशियाने को देना हो नया लुक, त्योहारों पर करनी हो खरीदारी या शादी विवाह की हो तैयारी, तो पहुंचिए स्लीप बेल गैलरी, प्रथम तल, खतरी टोला, चौक से पश्चिम, आजमगढ़। Knowledge is power. We give power to your child. We are Paradise International School, Azamgarh. We provide 360-degree smart classes, digital library, indoor and outdoor games for physical and intellectual growth of students. A special training in the field of athletics. Admission open for playgroup to class 8, Paradise International School, Kendri Vidyalaya Road, Hirapatti, Asamgarh. Aradhya Jewelers, Agrasen Degree College ke samip, Katra Saray, Ajamgarh. Shadi ke gehne, party ke gehne, diamond ke gehne, to sone chandi ke gehne. सब कुछ एक ही दुकान पर, आराध्या ज्वेलर्स, अग्रसेन डिग्री कॉलेज के समीप, कटरा सराय, आजमगढ़। 100% हॉलमार्क ज्वेलरी, अरबी डिजाइन के डायमंड सेट, चांदी के बर्तन तो रत्नों का भंडार भी। राजकोट, बॉम्बे और दिल्ली के आभूषण भी चाहिए तो चले आइए आराध्या ज्वेलर्स, कटरा सराय, आजमगढ़। 94 15 83
15:29। Sunbeam School Azamgarh, which aims for quest for excellence. Registration open. Admission forms are available. Sunbeam School Azamgarh is powered by Sunbeam EduServe. रूपाली डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड लाए हैं आजमगढ़ का पहला ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट रूपाली पर्ल हाइट्स अपार्टमेंट। महानगरों की तर्ज पर बन रहे रूपाली पर्ल हाइट्स अपार्टमेंट का मानचित्र आजमगढ़ विकास प्राधिकरण से स्वीकृत है। शहर के मेन रोड नरोली पर बन रहे ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट में कमर्शियल दुकानें 2 BHK और 3 BHK के फ्लैट की बुकिंग हो चुकी है ओपन। अपार्टमेंट में मिलेगा आपको क्लब, एयर कंडीशन जिम, 3 हाई स्पीड लिफ्ट की सुविधा, सभी फ्लोर पर CCTV सिक्योरिटी सिस्टम, 24 घंटे सिक्योरिटी गार्ड, पार्टी और फंक्शन के लिए कवर्ड बैंकेट हॉल, बेहतरीन लोकेशन एवं पार्किंग की सुविधा, आसान मासिक किस्तों पर बैंक लोन की सुविधा भी उपलब्ध। करिए अपना सपना साकार, शहर में बताइए अपना आशियाना। फेस्टिवल ऑफर के साथ बुकिंग के लिए संपर्क करें रूपाली डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, काली चौरा तिराहा, रैदोपुर, आजमगढ़। रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, नरौली, आजमगढ़। जिले के पहले मल्टी स्पेशलिटी एवं ट्रामा सेंटर में जनरल व लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर अमित सिंह, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर खुशबू सिंह, बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कलीम, न्यूरोसर्जन डॉक्टर विपुल टंडन, हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विनय कुमार चौहान दे रहे हैं अपनी सेवाएं। वेंटिलेटर युक्त ICU, NICU, दूरबीन विधि से पित्त की थैली, अपेंडिक्स के सफल ऑपरेशन की अत्याधुनिक सुविधा, वेल इक्विप्ड डायग्नोस्टिक लैब, एक्सरे, ECG, ब्लड एंड यूरिन टेस्ट फैसिलिटी, एम्बुलेंस एंड इमरजेंसी सर्विस अवेलेबल 24 आवर्स। रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, नरौली, आजमगढ़। प्रताप डायग्नोस्टिक सेंटर, अ कंप्लीट डायग्नोस्टिक सेंटर, सिविल लाइन, आजमगढ़। शरीर की जांच के लिए अब आपको महानगर जाने की जरूरत नहीं, महानगरों जैसी सुविधा अब आपके शहर आजमगढ़ में उपलब्ध। MRI ऑफ ब्रेन, स्पाइन, बॉडी एंड ज्वाइंट, सिटी स्कैन, मल्टी स्लाइस होल बॉडी सिटी स्कैन, हाई रेजोल्यूशन अल्ट्रासाउंड, डॉपलर स्टडी, डिजिटल एक्सरे, कार्डियक टैच, 2D इको, डिजिटल TMT, डिजिटल ECG, ऑल्टर मॉनिटरिंग, मेमोग्राफी, OPG, PFT एंड पैथोलॉजी। एम्बुलेंस फैसिलिटी आल्सो अवेलेबल ओनली एट प्रताप डायग्नोस्टिक सेंटर, सिविल लाइन, आजमगढ़। इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध।